हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल का नाश्ता। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के बचे हुए चावल का नाश्ता बनाने की सामग्री है: एक कप रात का बचा हुआ चावल, दो चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एक छोटा शिमला मिर्च है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, दो हरी मिर्च है जिसे हमने तोड़ लिया है, चार से पाँच कली लहसुन की, एक छोटी चम्मच जीरा, तेल, नमक स्वाद के अनुसार, एक गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, पानी, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। चलिए बनाना शुरू करते हैं बचे हुए चावल का नाश्ता। मिक्सी का बर्तन लेंगे। मिक्सी के बर्तन में हम चावल को डालेंगे, हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे और पीस लेंगे। चावल को हमने पीस लिया है, इसी तरह से महीन पीसना है। चावल में हमने आधा कप पानी पहले डाला हुआ था, आधा कप पानी हमने बाद में और डाला है। टोटल हमने एक कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम पीसे हुए चावल को बाउल में निकाल लेंगे। पीसे हुए चावल को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे, ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर के जगह आप गेहूं का आटा या चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिलाएंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। इसी तरह का बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हैं, नाश्ता को बनाने के लिए हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। तवे को हम तेल से ग्रीस करेंगे। तवे को हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर को कलछी में लेंगे और तवे पर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इस तरह से फैला देंगे। धीमी आंच पर हम अच्छे से सेकेंगे। एक साइड से अच्छे से सेक गया है, पलट लेंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। दोनों साइड से हमने अच्छे से सेक लिया है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए दोस्तों, बासी चावल का गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।